रोहित शर्मा अब नहीं रहे, लगा बहुत बड़ा झटका। भारतीय टीम हुआ तहस नहस। क्या है पूरी जानकारी, आइए मैं आपको इस पूरे वीडियो में दिखाते और बताते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके साथ ही ये जो बगल में बेल आइकन का घंटा है इसे भी दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत को इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से करारी हार मिली थी, जो कि एक शर्मनाक तरीके से हारी थी। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है कि BCCI T20 टीम के लिए एक अलग कप्तान पर विचार कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि रोहित शर्मा अब केवल वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान रह जाएंगे, और T20 फॉर्मेट के लिए भारतीय टीम के धुआंधार ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने का विचार किया गया और कप्तान बनाया जाने का राय विचार चल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारतीय T20 मैचों के लिए हार्दिक पांड्या कप्तान बेस्ट रहेंगे या नहीं? आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें।